नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर वही बात मान लो कोई पार्टिकल यहां से शुरू करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और बाकी आप जानते हो यहां से जो परपेंडिकुलर डालोगे इस डायमीटर ए डेस्ट पर या बी बी डेस्ट पर भी डाल सकते हैं तो इस पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन है दैट इज सिंपल हारमोनिक मोशन फिलहाल यहां पर हम ये देखते हैं कि तो पार्टिकल बी से चलना शुरू किया ओमेगा एंगुलर बेलोस्टी से टी टाइम में जब ये पॉइंट पी पर पहुंचा तो उस समय इस एंगल कवर करेगा थीटा और थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये एन है ओ से एन फुट आप परपेंडिकुलर पॉइंट एन पर है यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई इस सर्किल का जो रेडियस है वो है तो सपोज द पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम बी एंड रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा इन टाइम टी इफ एंगुलर वी पार्टिकल इज ओमेगा इज बाई टी और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इन टी सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ इज ओ एन ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका जो फुट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वाई अब देखिए ट्रेंगिल ओ में ट्रेंगिल ओ में साइन थीटा साइन थीटा हो गया ओ एन अपान ओ पी है वाई ओ है वाई और ओ है ए तो ओ बराबर ओ पी साइन थीटा तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड क्या होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कार द एम्पलीट्यूड तो इसलिए वाई मैक्सिमम होगा ए साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम पावर होगी प्लस वन तो वाई मैक्सिमम इज ए तो ए को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक टाइम टी क्या होता है टाइम टेकन बाई द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इस ड पीरियोडिक टाइम टी और टी होगा यहाँ टू पाई टी इज टू पाई अपन ओमेगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई एन यानी फोटा परपेंडिकुलर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एन एन हो गया वन बाई टी तो ओमेगा अपन टू पाई फेस क्या चीज होती है द फेस ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट expresses the position position and direction of motion of the particle at that instant कोई भी particle अगर move कर रहा है तो कहाँ पर है यानी position और किस direction पर move कर रहा है यानी उसकी direction इन दोनों चीज़ों को जो represent करने वाली physical quantity है उसको कहते हैं phase. उसको कहते हैं हम लोग face तो फेस इज नथिंग बट इट गिव्स द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। फेस इज एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ एंगल या तो थीटा के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियडिक टाइम टी। अब यहां पर आप देखें कि मान लो कोई पार्टिकल यहां से नहीं चलना शुरू कर रहा है बल्कि यहां से चलना शुरू कर रहा है यहां पी जीरो से चलना शुरू कर रहा है पहले ही फाइव एंगल कवर कर चुका है तो मान लो पी जीरो से पी तक इसको टाइम लगा टी तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी तो ओमेगा टी और प्लस फाइव तो ये एंगल हो गया थीटा डैस थीटा डेस्ट क्या हो गया थीटा डेस्ट हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव और अब ये ओ सन तक की डिस्टेंस है वाई तो साइन थीटा डेस्ट इज इक्वल टू ओ एन अपान ओ पी वाई अपान ए तो वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा डेस्ट या ए साइन उमेगा टी प्लस फाइव थीटा डैस जो एंगल है विच इज उमेगा टी प्लस फाइव इसी को कहते हैं फेस उमेगा टी टोटल फेस उमेगा टी प्लस फाइव इसी को कहते हैं टोटल फेस और जो शुरू में चला है उसे कहते हैं इनिशियल फेस या इपोच यानी फाइव तो ये हो गया इपोच और बाकी टोटल ही हो गया टोटल फेस ऑफ दर्टिकल ना हो नाउ अगर मैं अगर मैं यहाँ पर जो टाइम डिस्प्लेसमेंट कर ब लूँ सिंपल हारमोनी मोशन का तो वाई जुकल्टुएसाइन उमेगा टी वाई जूकल टूएसाइन उमेगा उमेगा की जगह टू पाई अपन कैपिटल टी इन टू स्मॉल टी अब आप देखिए अगर मैं टाइम ले लूँ ज़ीरो टी बाई फोर टी बाई टू थ्री टी बाई फोर टी एट्सट्रा अगर मैं वेल्यूज लिखूँ अगर टाइम टी ज़ीरो है तो ए साइन जीरो वाई हो गया जीरो डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया जीरो उसी तरीके अगर टी बाई फोर टी बाई फोर बाई बाई टू वन आया तो वाई जिकल टू ए उसी तरीके से अगर ये टी बाई टू है टी बाई टू है तो ये अगेन जीरो तो इन टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो देखिए ग्राफ कैसा हमको मिलता है ये देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट वाई लिया इधर टाइम टी लिया यहाँ टाइम जीरो ये टी वाई फोर होगा ये टी वाई टू थ्री टी बाई फोर और ये टी एक पूरा टाइम पीरियड और यहाँ से वैल्यूज हम रख दें वाई ज़ीरो टी जीरो टी बाई फोर पर क्या हुआ ए तो ए तक ये ठीक टी? टी बाई टू पर जीरो फिर यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट फिर थ्री टी बाई फोर पर माइनस ए का मतलब नीचे की ओर अपोजिट अगेन इस पर जीरो तो ये आपका जो कर्व है एंड दिस इज द कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज कॉल्ड साइन कर्व ये आपको साइन कर्व मिलता है यानी वाई जो कल टू ए साइन ओवेगा टी में ये क्या मिलता है हमको ये साइन कर्व मिलता है और ये साइन कर्व इस नेचर का यहाँ पर हमने शो किया है